गाइस व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोल्ड फ्लेक यानी सिगरेट, जो गोल्ड फ्लेक आती है उसका इतिहास। दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये सिगरेट कंपनी ने कैसे पूरे इंडिया में अपना नाम बनाया और इसका इतिहास क्या है और इसकी क्या मज़ेदार बातें हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे सिगरेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को पसंद आए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। यार दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और आपका एक सब्सक्राइब हमारी वो मेहनत को सफल बनाता है। तो यार सब्सक्राइब जरूर करना और बगल में बेल आइकन आए तो उसे भी दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड फ्लेक का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। गोल्ड फ्लेक एक क्लासिकल भारतीय सिगरेट ब्रांड है जो एक सदी से भी अधिक समय से बाजार में है। गोल्ड फ्लेक कई किस्मों में बेचा जाता है, जिसमें गोल्ड फ्लेक किंग्स, गोल्ड फ्लेक किंग्स लाइट, गोल्ड फ्लेक और गोल्ड फ्लेक लाइट्स शामिल हैं। इस ब्रांड का ओनर ITC लिमिटेड है। इसका मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग ITC लिमिटेड द्वारा की जाती है। गोल्ड फ्लेक का निर्माण ब्रिस्टल कंपनी WD&HO विल्स द्वारा किया गया था। विल्स जो कि 1901 में इंपीरियल टबाको का हिस्सा थी। गोल्ड फ्लेक का तात्पर्य चमकीले रिच गोल्डन तंबाकू का उपयोग करके बनाई गई सिगरेट से है। ITC यानी कि इंडियन तंबाकू कंपनी ने 1960 के दशक में भारत में गोल्ड फ्लेक ब्रांड को लॉन्च किया, और हाई क्लास सोसाइटी की जीवन शैली भी वही थी जिसकी ग्राहक आकांक्षा करते हैं। 1912 के बाद ब्रांड में सबसे बड़ा बदलाव 1971 में गोल्ड फ्लेक किंग्स की शुरुआत के साथ हुआ। इसके बाद 1999 में गोल्ड फ्लेक किंग्स लाइट की शुरुआत हुई। ITC एक भारतीय समूह कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 1910 में इंपीरियल टबाको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में स्थापित हुई कंपनी का नाम बदलकर 1970 में इंडिया टबाको कर दिया गया। बाद में 1974 में इस कंपनी को लिमिटेड का दर्जा मिल गया। ITC भारत में सिगरेट के बाजार में एक लीडिंग कंपनी है। ITC के कई ब्रांड हैं जो वाइड रेंज में मौजूद हैं, जिसमें इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब, नेवी कट, क्लेयर, सीजर, कैपस्टन, बार्कले, ब्रिस्टल फ्लेक, सिल्क कट, ड्यूक एंड रॉयल शामिल हैं। 1900 की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में गोल्ड फ्लेक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए मिस्टर गोल्ड एंड मिस्टर फ्लेक के नाम से दो अक्षर पेश किए गए थे। कैरेक्टर का उपयोग लगभग 30 वर्षों तक किया गया था और वे लोकप्रिय थे, लेकिन इससे ब्रांड की बिक्री में ज़्यादा मदद नहीं मिली और गोल्ड फ्लेक को थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा। गोल्ड फ्लेक मुख्य रूप से भारत में बेची जाती है, लेकिन यह कनाडा, जमैका, आयरलैंड, UK, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मिस्र, साउथ अफ्रीका, फिलिस्तीन, नेपाल, पाकिस्तान और मलेशिया को एक्सपोर्ट की जाती है। गोल्ड फ्लेक 1997 से 2001 तक गोल्ड फ्लेक ओपन टेनिस टूर्नामेंट का मेन स्पॉन्सर था। टूर्नामेंट को अब महाराष्ट्र ओपन के नाम से जाना जाता है। टूर्नामेंट 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया था। चलिए वैसे मजे के तौर पर जानते हैं कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिगरेट कौन सी है, यानी कि सबसे ज़्यादा नशे देने वाली सिगरेट कौन सी है। मानदंडों के अनुसार L&M दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तंबाकू ब्रांड है, जिस ब्रांड का स्ट्रेंथ इंडेक्स 100 में से 76.9 का स्कोर पाया है, और इसके अनुरूप AA+ ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग इसको दी गई है। स्वीडन दुनिया में सबसे कम धूम्रपान करने वालों की संख्या वाला देश है, और नाउरू जो कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड कंट्री है, जहां पर धूम्रपान की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि 52% है। मार्लबोरो फिल्टर प्लस वन। मार्लबोरो निश्चित रूप से अमेरिका में सबसे लोकप्रिय सिगरेट ब्रांडों में से एक है, जो लाइट वर्जन को भी ध्यान में रखता है, जो इसे 2019 में सबसे कम तार और निकोटीन सिगरेट ब्रांडों में से एक बनाता है। तो दोस्तों एक सवाल और है जो सिगरेट पीने वालों के मन में गूंजती तो जरूर होगी,
कि क्या सिगरेट कभी एक्सपायर होती है, तो चलिए जानते हैं कि तकनीकी रूप से सिगरेट की समय सीमा समाप्त नहीं होती। हालांकि वे समय के साथ एक अविश्वसनीय रूप से बासी हो जाती है, खासकर जब पैक हवा के संपर्क में आती है। यही कारण है कि बासी सिगरेट आमतौर पर नई की तुलना में तेजी से जलती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत मेहनत लगती है और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और अगर मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, कीप लविंग। तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।